नबी आ रही सलात खैबर के मैदान की तरफ जा रहे हैं और सफ़र आपने फ़रमाया रुक 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 जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक तो है। वो का सारे ठहर गए और अकेले दो जहानों के सरदार मोहम्मद चल पड़े आज मेरे और आपके पास वक़्त नहीं है किसको बस बिधर लगा लगा रहने दो जो कर रहा है करता रहने दो नहीं नबी अली सलाम ने लश्कर पूरा ठहरा दिया और पैदल चल के जाने लगे और जब उसके पास पहुँचे अल्लाह का तारफ करवाया अपनी बात बताई कुरान सुनाया हदीस सुनाई जन्नत जन्नम के मंजर बताए हु खूबसूरतियाँ बताई तो हैरान लगा क्या वाक़ था जन्नत में मुझे भी हूरे मिल सकती हैं आपने फरमाया जी हाँ मिल सकती हैं शर्त यह है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए जिंदगी अपनी मेरे हवाले कर दे सारी जिंदगी मेरी तात में लगा रहेगा जन्नत की तेरी मुंतजिर रहेंगी कहने लगा पक्की बात फरमाया पक्की बात है उसने कहा देख लो फरमा देख लिया और हाथ पर हाथ रखा कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया कहने लगा ये उदी की बकरियां हैं मैं उजरत के ऊपर किराए पर चराया करता हूं तो अगर वापस करने जाऊंगा पूछेगा बताऊंगा तो वो आने नहीं देगा तो आपने ये नहीं फ़रमाया ठीक है यहूदी किए हैं कब्ज़ा कर लो नहीं कुर्बान जो मोहम्मद वसम गैर मुस्लिम का यहूदी का माल है वापस कर आपने फरमाया वापस कर कहता है कैसे करूँ फरमाया फिर आज अल्लाह की कुदरत देख जमीन से कंकरियां उठा बकरियों का मुंह उस तरफ कर दे पीछे से मार मेरा रब खुद पहुँचा देगा उनका चेहरा उस तरफ किया जमीन से कंकरियाँ मारी वो दौड़ती यूदी के घर में चली गईं ये सलाम के साथ मोहब्बत का मुतवाला सिर्फ एक दिन का मुसलमान एक दिन का मुसलमान दिन भी बड़े दूर की बात है चंद घंटों का मुसलमान आपके साथ मोहब्बत इतनी पक्की होगी आकाश जो आप कहेंगे मैं सो करके दिखाऊंगा नबी अली सलाम थोड़ा सा आगे बढ़े दुश्मन ने रास्ते के अंदर हमला किया मुठभीड़ हुई मुसलमानों का उनके साथ मुकाबला हुआ मुसलमान शहीद हुए काफर जन्नम में गए मुसलमान जन्नत में गए मुसलमानों को फतेह कुफार को शिकस्त हुई फिर क्या हुआ नबी अली सलात वसलाम उस मैदान में ठहरे और अपने प्यारों के पास जा जा कर एक एक को तलाश कर कर के अपनी गोद मुबारक में बिठाते हैं चेहरे से उनकी गर्दो गुबार को साफ करते हैं और उनके लिए जन्नत की दुआएं करते हैं एक के पास दो के पास तीन के पास चार के पास और एक के चेहरे से पर्दा उठाया तो चेहरा मोड़ लिया देखना ही ग्वारा नहीं किया साबा परेशान अल्लाह के नबी वसल्लम यह क्या मामला बाकी से इतनी मोहब्बत इससे इतनी नफरत बाकी से इतना प्यार इससे इतनी बदावत उसको अपनी गोद में और इसकी तरफ देखना भी ग्वारा नहीं ये वजह क्या है यह स्यार उनका मुसलमान अभी होने वाला मुसलमान चंद घंटे का पहले का मुसलमान इसका खानदान नहीं कौन कबीला बरादरी नहीं इस वजह से आप अपना चेहरा मोड़ रहे हैं फरमाया नहीं तुम्हें क्या मालूम हो मेरी इससे क्या बात हुई थी जो इसने अपने रब से वादा किया था इसने पूरा कर दिया आसमान के रब ने अपना पूरा कर दिया मैं इसके पास गया था इसने कहा था मुझे जन्नत की क्यूरें मिलेंगी मैंने कहा मिलेंगी इसने कहा पक्की बात है मैंने कहा पक्की बात है जिंदगी मेरे हवाले कर दे जन्नत मुझसे ले ले और जब मैंने इसके पर्दा हटाया तो जन्नत की दो हूरें बैठी इसको प्यार कर रही थी ये मोहब्बत की वजह से ये ख्याल आने की वजह से सोच आने की वजह से आग के बाद मेरी सारी जिंदगी मोहम्मद पर कुर्बान और मैं उस तरह मोहब्बत करूंगा जिस तरह मोहब्बत करने का हक है अपनी सोच अपनी फिक्र अपनी राय अपनी ख्वाहिश अपनी तमन्नाएं अपनी आरदुए सारी पीछे और सबसे बढ़कर मोहब्बत मोहम्मद से करूंगा आने वाले आए देहात से सादे से लोग होते हैं पेच बल नहीं आते और सीधा आकर पूछते हैं आका क्यामत कब आएगी फरमाया क्यामत अरे तू क्या के आने का मुंतजिर है लोग तो डर रहे हैं बता तेरा सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा पहले तू बता तूने तैयार क्या किया है कहने लगा तैयारी तो कुछ नहीं की जो लोग करते हैं वो मैं करता हूँ नमाज़ रोज़ा ज़ख़ाता ही तो करते ही हैं लेकिन एक बात ये है ग़ैरा अन्य हब्बू फिल्ला ए आका अंग अंग में रगो रेशे में गोश खून में पूरे वजूद में हर एक जोड़ में सारी कायनात से बढ़कर किसी की मोहब्बत है तो आपसे है बस मेरा यही एक कारनामा है फरमाया देहात के रहने वाले याद रख ले क्यामत के दिन होगा सारे नबी मैदान में जमा होंगे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम होंगे वहाँ मेरे अल्लाह तुझे भी मेरा साथ अता फरमा देंगे क्योंकि तू मेरे साथ मोहब्बत करने वाला है तो आइए आज वादा करिए अल्लाह हम तेरे पैगम्बर सलाम से उस तरह मोहब्बत करेंगे जिस तरह मोहब्बत करने का हक़ है और पैगम्बर सलाम की मोहब्बत के ऊपर हर चीज़ को कुर्बान करके सहाबा के वाक़ जैसी अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताली मुझे और आपको अपने ईमान को पैगम्बर सलाम की मोहब्बत के साथ मरबूत करने की तोफ़ी कदा फ़रमाए व आखिर दावानादिल्लाबी आलमी